नमस्कार दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें आज हम दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित सवाल हल करेंगे, ठीक। तो जो हमने पहला क्वेश्चन हमको लेना है आज, वो है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड उन्होंने बताई है 108 किमी प्रति घंटा, ठीक है। और इसकी लंबाई लेंथ जो है वो है 90 मीटर, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि एक कोई खंभा है, उसको खंभा मान लीजिए ये है और ये आपकी रेलगाड़ी है 90 मीटर की, ये इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, सब ये पूछा है इन्होंने। तो इसका ये सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन बड़ा इजी है दोस्तों, लेकिन हमको थोड़ा सा कुछ इसके बेसिक काम करने होंगे, हम उसी क्रम में चलेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या है, कैसे करना है दोस्तों वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये स्पीड जो है इसकी यूनिट और लंबाई की यूनिट एक अलग अलग है, उसको हमको एक में करना है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर में है, तो इसको हम जो है स्पीड को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 108 अगर किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और अगर घंटे को आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इसको 3600 से गुणा कर दीजिए, तो ये 0 0 कट जाएंगे और 2 5 10 और 2 18 में 36, तो ये हो जाएगा 108 × 5/18, ठीक है। ये आपकी स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब आपके पास टाइम दिया, टाइम निकालना है और लेंथ दी हुई है, तो हमको टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, दूरी बटे 4। तो दूरी क्या है दोस्तों, 90 मीटर, और चाल क्या है आपकी, 108 × 5/18। तो आप 90 × 18/108 × 5, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसको अगर आप हल करेंगे तो आपका जो हल आएगा इसको अगर आप हल करेंगे तो ये आएगा 3 सेकंड। इसको कैसे हल करेंगे, 5 से इसको भाग दीजिए, 5 × 5 5 8 40, 18 आ गया, और 18 का 18 गुणा हो जाएगा 18 × 18/108, ठीक है। तो 3 अगर आपका आंसर है तो ये समझिए 18 18 6 108 मेरे ख्याल से होता है, हाँ 18 6 और 6 3 18, ये 3 सेकंड आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। आइए दोस्तों एक दूसरा सवाल भी लेते हैं इसी कड़ी में। तो वो सवाल नंबर 2 हो गया आज की डेट का। सवाल क्या है कि ये भी रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है, और रेल की जो रेलगाड़ी, इसको आप ट्रेन कहिए या रेलगाड़ी हिंदी में लिखिए, रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई दी हुई है 490 मीटर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है कि इसकी स्पीड जो है वो है 63 किमी प्रति घंटा, ठीक है। और इसमें जो आपको एक खंभा क्रॉस करना था, यहाँ पे आपको एक जो है पूरा वो क्रॉस करना है गुफा, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है वो है 490 हो गई, और एक गुफा है जिसकी लंबाई इन्होंने दिया हुआ है 210, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से शुरू करेगा दोस्तों, तो पहले तो ये पॉइंट जो है यहाँ से अगर शुरू होता है तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रॉस करेगा, ये आप सोल्यूशन में बता रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, ये पॉइंट 490 मीटर। अब इसका लेकिन पिछला वाला हिस्सा फिर भी इसके अंदर रह जाएगा, तो पिछला वाला हिस्सा क्रॉस करने के लिए क्या करना होगा, इसको ये जो 210 मीटर है वो भी बाहर निकलेगा, तो
तब जाके ये होगा। तो इससे हमको पहला जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है कि जो टोटल दूरी पहले हमारी 90 मीटर हुई थी वो अब 490 प्लस 210 मीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला चीज़ तो ये हो गया, 210 मीटर को अगर आप जोड़ लीजिए तो 4 2 6 700 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीड जो हमारी दी हुई है 63, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर को, तो 1000 से गुणा करिए और 3600 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये से ये कटा 5 और 18, ठीक है, 63 × 5/18। ठीक है, अब हमको टाइम निकालना है, तो 700 × 63 × 5/18, तो 18 × 700 × 63 × 5, तो ये आ जाएगा आपका 7, कर दीजिए 7 9 63, 9 2 18, और ये हो गया 5 2 10 20, तो 20 × 40 सेकेंड ये टाइम आपको लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो देखने के लिए और अपने फ़ायदे इस वीडियो से उठाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नए नए वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच सकें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे सवाल चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।